बुलंदशहर में सिकंदराबाद पुलिस की अनिल दुजाना गैंग के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। लगभग 35 मिनट पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ चली। मुठभेड़ में दोनों ओर से लगभग 20 राउंड फायरिंग हुई। तीन इनामी बदमाशों को पुलिस की गोली लगी। एक सिपाही भी मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया। दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़े गए बदमाश पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम देना चाहते थे। पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंसी की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की। पकड़ा गया एक बदमाश 50,000 और दो 25,000 के इनामी है। फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की कॉम्बिंग जारी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा गैंग अनिल दुजाना गैंग माना जाता है। सिकंदराबाद पुलिस के मुखबिर के सूचना के बाद महेपा जागीर के जंगलों में मुठभेड़ हुई। बदमाशों को गोली लगी पैर में और दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं। उनकी इधर पकड़ के लिए हमारी चार थानों की पुलिस इस समय लगी हुई है। लगातार कॉम्बिंग चल रही है, उनकी भी हम निश्चित रूप से गिरफ्तारी करेंगे। ये जो अपराधी घायल हुए हैं, इनसे पूछताछ की गई तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें एक अपराधी गजरौला थाना क्षेत्र जनपद अमरोहा का रहने वाला है, एक जनपद हापुड़ का रहने वाला है, एक थाना जमा जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है। इसमें से एक दोनों दो अपराधियों के विरुद्ध लगभग दो दो दर्जन मुकदमे हैं। एक अपराधी आजीवन कारावास की सजा पाया हुआ अपराधी है, पैरोल पे है। इन लोगों से पूछताछ करने पर भी प्रारंभिक जो इन्होंने बताया कि हम लोग पेट्रोल पंप की लूट करने के इरादे से जा रहे थे, डकैती डालने पेट्रोल पंप पर, और इसी योजना के तहत ये लोग दनकौर की तरफ से आके नहर पे मुड़ने के बाद और इधर महेपा पुलिया की तरफ मुड़े, ये लोग कहीं ना कहीं आज किसी पेट्रोल पंप पे टारगेट करके वारदात करते। सर, ये जो मुठभेड़ हुई है, इसमें लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई होंगी पुलिस और बदमाशों की ओर से? लगभग 10 राउंड फायरिंग बदमाशों की तरफ से हुई और हमारी पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर हुआ, जिसमें कि 3 बदमाशों को गोली लगी और एक हमारा कांस्टेबल भी घायल है। सभी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, उनका उपचार कराया जा रहा है। सर, कांस्टेबल कांस्टेबल अनेक सिंह है, उसको गोली लगी है पैर में, उसको भी उसका भी इलाज चल रहा है। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि ये जो बदमाश पकड़े गए हैं, क्या किसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े गिरोह से कोई ताल्लुक तो सर अभी तक नहीं आया हो? अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई, इन्होंने बताया अनिल दुजाना का जो गौतम बुद्ध नगर का गैंग है, उस गैंग से लोग संपर्क रखते हैं और उसके लिए काम करते हैं। गहराई से इनसे पूछताछ की जाएगी, प्राथमिक उपचार के बाद उसके बाद पूरी बात।